जनवरी में रेलवे का फॉर्म आ रहा है, लगभग 1.5-2 करोड़ फॉर्म भर जाएंगे। बड़ी होता है सब कभी कभी यहाँ पे, तो आप लोग रेडी रहेंगे? लोग फॉर्म कब आ रहा है? इतने चरण में एग्जाम होगा तो क्वेश्चन ही नहीं। एक होता है थ्योरी बेस्ड और एक होता है न्यूमेरिकल बेस्ड। जब भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है तो उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन वही अगर जो जनवरी में फॉर्म आएगा आपका रेलवे का, उसमें आपको टेक्निकल एग्जाम पूछेगा। जनवरी में रेलवे का फॉर्म आ रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जनवरी में आएगा फॉर्म, लिखेगा कि टेंटेटिव डेट मई में एग्जाम होगा, लेकिन फिर लेके चल जाएगा दिसंबर। उसका रीजन क्या है कि जितना फॉर्म भरने की संभावना है, लगभग 1.5-2 करोड़ फॉर्म भर जाएंगे। फॉर्म जब भरा जाएगा, कोई कंपनी टेंडर लेना एग्जाम दिलाने के लिए, क्योंकि धांधली नहीं होनी चाहिए। और इतने चरण में एग्जाम होगा तो क्वेश्चन ही नहीं कि किसी एक एक किसी सेटिंग का एकदम हार्ड और किसी का एकदम आसान। हाँ, बड़ी होता है ये सब कभी कभी यहाँ पे, तो परसेंटाइल सिस्टम क्या है, बड़ा झमेला है यहाँ पे। तो आप लोग रेडी रहेंगे? लोग फॉर्म कब आ रहा है? जनवरी में, ठीक है। हाँ, बाकी तो दरोगा इधर एग्जाम हो जाएगा, बीपीएससी के मेंस के एग्जाम को थोड़ा सा आगे ढकेलेगा, थोड़ा सा ले जाएगा आगे, 10-15 दिन आगे कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। हाँ बाबू, जनवरी में आएगा फॉर्म, हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं।